हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान सुपर लीग की पहली मैच की बात करेंगे, जो कि मैच होगा लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में। तो चलिए दोनों टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं, स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की टीम देख लेते हैं, पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, सारा डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखो बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 8:30 पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर के लिए ये यहाँ पर होम ग्राउंड होने वाला है। और बात करूं यहां से पिछली बार की चैंपियन टीम रही है यहां पर लाहौर कलंदर, बहुत ही जबरदस्त जीती थी, वन साइडेड मुकाबला जीता था इन्होंने पिछली बार। फाइनल की बात की जाए तो यहां पर पिच रिपोर्ट की बात करो तो रन यहां पर काफी आला दर्जे के बनते हैं। यहां पर 150 के प्लस मैंने मेंशन किया आंकड़ा, यहां पर 200 के पार भी जा सकता है, काफी अच्छे रन बनते हैं। वेन्यू परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टोटल 41 मैचेस के अंदर 27 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, तो कहीं ना कहीं यहां पर टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। विकेट्स की बात करें तो पिछले 10 मैच के अंदर 101 विकेट यहां पर पेसर्स ने निकाले, स्पिनर्स ने निकाले यहां पर 36 विकेट। अभी देखो आगे बात करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर इस वीडियो के अंदर आपको प्लेयर्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स दिखेंगे, इसके साथ साथ वेन्यू परफॉर्मेंस दिखेगा और रिसेंटली फॉर्म भी दिखेगा। तो सारा डिटेल्स मिलने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। लाहौर कलंदर की बात करते हैं सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को मतलब यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करेंगे और इसके साथ साथ टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। अगर आप तक नहीं जुड़े तो मैं आपको बता दूं कि इस मैच की और भी नई ट्रेन टूर्नामेंट्स की और भी कई सारी मैचेस के फाइनल अपडेट और फाइनल में नहीं स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली है। तो दो चीज आपको करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम से जुड़ना है। बाकी यहाँ पर ओपनिंग में आपको फखर जमन और इनके साथ यहाँ पर एम ताहिर बेग ओपनिंग करवाते हुए नजर आ सकते हैं। जहां पर ताहिर बेग की बात करूं तो एक डिफरेंशियल और एक तगड़ा नाम है यहाँ पर, 66, 40, 27, 6 और 38 जैसे रन के इस मैन्यू के ऊपर 7 मैच के नीचे 136 रन है। फखर जमन की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने खेला कहां पर, तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर बीपीएल से सीधे पीएसएल के अंदर। हिट टू हेड के अंदर काफी अच्छे आंकड़े इनके, 14 मैच के अंदर 475 रन है। इस वेन्यू के ऊपर यहाँ पर 23 मैच के अंदर 643 रन है। वेरी इंपॉर्टेंट पिक है, इनको डेफिनेटली लेके भी जाना है। इवन यहाँ पर पहले बैटिंग लाहौर कलंदर करवा दिए तो कप्तान वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। इसके आगे बात आती है, ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा हमारे लिए अब्दुल्ला शफीक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही तगड़ा खेलता है यहाँ पर। हिट टू हेड रिकॉर्ड के अंदर 4 मैच के 142 रन है और वेन्यू परफॉर्मेंस के 14 मैच के 362 रन है। रिसेंटली फॉर्म की बात की जाए तो 2 बार इन्होंने अंडे दिए, बाकी यहाँ पर 38, 44 और 66 जैसे स्कोर किए, डेफिनेटली लेके जाएंगे। सर जी ऐसे रूडोल्फ वान डे माव, वैसे प्लेयर अच्छा है नो डाउट, लेकिन रिसेंटली फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा, इस वेन्यू के ऊपर भी पहली बार है और मतलब इस टूर्नामेंट के अंदर पहली बार खेल रहे हैं। वैसे प्लेयर अच्छा है, चाहो तो ऐसे इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है तब तक के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल इनके लिए जरूर रहेगा। तो ये यहाँ पर इससे बेटर है कि हम लोग यहाँ पर शाही होप को लेके जाए, विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे आपको। रिसेंटली फॉर्म इनका भी अच्छा नहीं है, हालांकि आई थिंक यहाँ पर रूडोल्फ वान डेर डुसेन सेफ रहेंगे, इनको लेके जा सकते हैं। आगे बात करते हैं सिकंदर रजा की, वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा एज ए प्लेयर के साथ, कप्तान वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा। रिसेंटली इनका फॉर्म ने देखा यहाँ पर श्रीलंका के सामने, बहुत ही जबरदस्त कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, मतलब पूरी टीम का यहाँ पर बाहर लेके चलते थे यहाँ पर, हालांकि इनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बैटिंग की बात करते। और वैसे भी ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं यहाँ पर सिकंदर रजा, तो एक्सेप्टेशन इनसे बहुत ही अच्छी रहेगी। 60, 40 जैसे स्कोर किए थे, बाकी रेगुलर इन्होंने विकेट्स भी निकाले, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इसके साथ से यहाँ पर शाहीन शाह आफरीदी, इनको भी हम लोग एज ए प्लेयर लेके जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर मोहम्मद आमिर जूनियर दिखेंगे आपको, और इसके साथ यहाँ से हारिस रौफ और इनके साथ जमन खान दिखेंगे। यहाँ पर जमन खान और हारिस रौफ को हमें ड्रॉप नहीं करना है, ये दोनों हमारी टीम का हिस्सा होना चाहिए। शाहीन शाह आफरीदी है, ये तीनों ही ये तगड़े गेंदबाज हैं यहाँ पर। रिसेंटली यहाँ पर इंटरनेशनल में तीनों ही प्लेयर अवेलेबल थे, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रौफ और जमन खान, तो यहाँ पर भरोसा एक बार फिर से रहेगा। बाकी आमिर खान, मोहम्मद आमिर जूनियर को आप लोग लेके जा सकते हैं। स्टार्टिंग में उसमें आपको हारिस रौफ और शाहीन शाह आफरीदी दिख सकते हैं, डेथ हाउस में भी ये दोनों ही दिख सकते हैं। कई बार यहाँ पर जमन खान भी डेथ हाउस में डालते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स प्रॉपर्टी वगैरह आपको टेलीग्राम में देने वाला हो, टेलीग्राम से जुड़े रहेगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। इस्लामाबाद की बात करते हैं, ओपनिंग में यहाँ पर एलेक्स हेल्स और इनके साथ कॉलिन मुंद्रो दिख सकते हैं आपको। कॉलिन मुंद्रो की बात की जाए तो रिसेंटली फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है, लेकिन इनका आई थिंक बीबीएल के अंदर इनका परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी अच्छा रहा था। इन्होंने एक 99 रन की पारी भी खेली थी जो कि शायद यहाँ पर मैंने ऐड नहीं की, बाकी 8 के अंदर 8 मैच के अंदर 208 रन है। देखो ये दोनों ही ना हीट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुंद्रो। खासतौर पर यहाँ पर एलेक्स हेल्स जो कि यहाँ पर पीएसएल में अच्छा खेलते हैं, तो इनके ऊपर भरोसा रहेगा हमारा। कॉलिन मुंद्रो थोड़ा सा कन्फ्यूज करके रखा हुआ है क्योंकि रिसेंटली फॉर्म अच्छा है इनका, ले सकते हैं। आई थिंक ये दोनों ओपनर को लेके जाएंगे। इसके साथ जॉर्डन कॉक्स दिखेंगे जो कि दोनों मैच
पहली बार खेलेंगे, बाकी रिसेंटली फॉर्म थोड़ा सा अप एंड डाउन है और यहाँ पर इनके इनके लिए स्ट्रगल जरूर है, तो यहाँ पर कॉक्स थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेकिन शादाब खान हमारे लिए एज ए प्लेयर के साथ कप्तान वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे ऐसे आजम खान जो कि 32-20, 50-19 जैसे स्कोर किए रिसेंटली फॉर्म की बात की जाए तो, बाकी ओवरऑल हेड टू हेड के अंदर 8 मैच में 122 रन है, इस वेन्यू के ऊपर इतने खास आंकड़े नहीं, और इनका भी कुछ ऐसा ही है, हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर, हालांकि जब खेलते हैं तब तगड़ा खेलते हैं लेकिन ज़्यादातर क्या बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। इमाद वसीम को लेके जाएंगे अच्छे फॉर्म में यहाँ पर। इसके साथ यहाँ पर आगे बात करते हैं, यहाँ पर आका सलमान की बात की जाए तो रिसेंटली फॉर्म आप देखो 53-55, 1 विकेट 2 विकेट, कंसिस्टेंट फॉर्म में यहाँ पर आका सलमान, और इन्होंने भी अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल खेला हुआ है, इनको लेके जाना बनता है। बाकी इमाद वसीम देखो कंसिस्टेंट है रिसेंटली फॉर्म, और ये भी एक बड़ा नाम है, आका सलमान हमारे लिए डिफरेंशियल पिक रहेंगे। इसके साथ बात आती है ऐसे माई वन ऑफ फेवरेट प्लेयर यहाँ से फहीम अशरफ, अभी रिसेंटली इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर खेला था और एक ही मैच खेला था जहां पर मैंने इनको कप्तानशिप दी थी, इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से तगड़ा एडवांटेज दिया था, तो एज ए प्लेयर के साथ कप्तान वाइस कैप्टन एक बार फिर से सजेसेबल है, आप लोग कर सकते हैं इनको कप्तान वाइस कैप्टन। इसके साथ यहाँ पर टाइमल मिल्स जो कि विकेट्स तो जरूर निकालेंगे लेकिन इनके साथ थोड़ी सी इनकी कोटाई भी होती है, टाइमल मिल्स थोड़े से रिस्की टाइप के रहेंगे। बाकी नसीम शाह कमबैक किए यहाँ पर डोमेस्टिक में, अच्छी बात रही यहाँ पर पाकिस्तान के लिए क्योंकि वर्ल्ड कप में जहाँ पर इनकी जरूरत थी वहाँ पर बहुत ही बड़ी इंजरी से जूझ रहे थे, लेकिन नसीम शाह हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इसके साथ यहाँ पर रुमान रईस को डिफरेंशियल में ले सकते हैं, स्टार्टिंग में पर नसीम शाह के साथ मोहम्मद वसीम जूनियर या तो फिर इमाद वसीम, दोनों में किसी को ये कह सकता है, आई थिंक यहाँ पर वसीम जूनियर ओके। और देथोस की बात करो तो यहाँ पर शादाब खान और यहाँ पर टाइमल मिल्स, ये दोनों आपको देथोस में गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी डेमो फैंटेसी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को लेकर जाना और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होने वाला है और बहुत बड़े आपको रिस्क भी लेने पड़ेंगे क्योंकि आई थिंक पहली मैच है तो हमें टॉप ऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। मैं यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से आजम खान को लेकर जा रहा हूँ लेकिन शाई होप बेस्ट पिक है, इसके साथ जॉर्डन कॉक्स भी यहाँ पर टॉप में खेलेंगे, ये दोनों आपके लिए चॉइस बन सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से मैंने 4 प्लेयर लिए, एलेक्स एल्स है, फखर जमान है, इनके साथ कॉलिन मुंद्रो और अब्दुल्ला शफीक को मैंने लिया है। कॉलिन मुंद्रो का सिलेक्शन कम है लेकिन मैंने आपको बताया ना हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर, अगर खेल गया तो ऐसे वन साइडेड विनिंग करवा सकते हैं। इसके साथ यहाँ से एक प्लेयर दिखेगा आपको वसीम मोहम्मद, काफी तगड़ा मारता है यहाँ पर, UAE की तरफ से खेलता है और मतलब गजब का मारता है भाई, वो बॉलिंग भी करवा लेता है शायद, लेकिन इनको मौका नहीं मिलेगा, फिर भी अगर मौका मिले तो एक बार रिस्क इनके ऊपर जरूर लेना। बाकी आपके पास यहाँ पर रूडोल्फ वान डेर मार्क चॉइस बनती है। ऑलराउंडर सेक्शन में आप शादाब खान है, सिकंदर रजा और फहीम अशरफ हमारी टीम के अंदर रहेंगे, इसके साथ यहाँ पर इमाद वसीम है, आगा सलमान को खास ले सकते हो आप लोग। बाकी बॉलिंग सेक्शन से शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रौफ है, यहाँ पर जमन खान को लेने का मेरा पूरा मन है लेकिन यहाँ से इनको लेने के लिए किसी प्लेयर को बेसमैन को या ऑलराउंडर को कम करना पड़ सकता है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो यहाँ से जमन खान को ले सकते हैं। टीम की बात करते हैं, कप्तान हमारे यहाँ से एलेक्स एल्स रहेंगे, वाइस कैप्टन यहाँ से फखर जमन रहेंगे, इसके साथ सिकंदर रजा बेस्ट पिक है और शादाब खान। बाकी मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पर अभी रिसेंटली बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर फहीम अशरफ को मैंने कप्तान सिद्ध दी थी तो ये भी एक चॉइस है, इनको भी आप लोग कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हो। बाकी टीम इस तरह से रहेगी, लाइनअप के बाद जो भी चेंजेस वगैरह रहेगा वो फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम में मिलेगी, टेलीग्राम से जुड़ेगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसी लिंक से ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो जल्दी से मिल जाए। बाकी मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।